स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ड्राई सेल की स्टडी करेंगे। अब देखिए, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये जो डायग्राम नज़र आ रहा है, ये ड्राई सेल का डायग्राम है। ठीक, अब हम ड्राई सेल की स्टडी करेंगे तो पहला क्वेश्चन उठता है, ये ड्राई सेल क्या होता है। तो देखिए, ड्राई सेल वो डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस को हम सॉल्यूशन की फॉर्म में ना लेकर उसको पेस्ट की फॉर्म में लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ड्राई सेल। फिर से सुनिए, वो डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस को सॉल्यूशन की फॉर्म में ना लेकर उसको पेस्ट की फॉर्म में लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल एक प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है। इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन प्रोडक्ट को हम वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं, यानी कि ये सेल रिचार्जेबल नहीं होता है। इसको यूज़ करने के बाद हम इसको फेंक देते हैं, ठीक है, यानी कि ये यूज़ एंड थ्रो सेल है। ठीक, अब ये जो ड्राई सेल है, ड्राई सेल में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ड्राई सेल लेक्लांसी सेल के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। दूसरी बात, इस ड्राई सेल का यूज़ ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैमरा, बच्चों के टॉयज, रिमोट कंट्रोल, इनमें यूज़ होता है। ठीक, अब ये ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन की बात अगर हम करें तो देखिए, सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं इस तरह, ये एक जिंक का होलो सिलेंडर होता है। जैसे आपने ग्लास देखा होगा, हम जिसमें पानी पीते हैं, है ना, उसको हम लोग कहेंगे होलो सिलेंडर। तो उसी तरह से यहाँ पर ये जिंक का एक होलो सिलेंडर होता है, होलो कंटेनर होता है, ठीक, जिसमें हम उसके इनसाइड यानी किस तरफ, ये देखिए, यहाँ पर और इधर, यहाँ हम NH4Cl और ZnCl2 का वाइट स्टिकी पेस्ट लगा देते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक, फिर ये जो कंटेनर होता है, इसमें नीचे की तरफ यानी किसी बॉटम में, यहाँ पर हम एक इंसुलेटेड या इंसुलेशन लगा देते हैं। फिर उसके ऊपर हम इस ग्रेफाइट रॉड को रखते हैं ताकि जिंक कंटेनर का इस ग्रेफाइट रॉड से डायरेक्ट कनेक्ट ना हो, क्योंकि जिंक रॉड ऊपर रहेगी, फिर इंसुलेशन रहेगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर ये जिंक का कंटेनर है ही, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं हो। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले जिंक कंटेनर रहता है, उसके ऊपर इंसुलेशन लगाते हैं अंदर से, फिर हम उसके ऊपर ग्रेफाइट रॉड को रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो बाकी का जो स्पेस बचता है ग्रेफाइट रॉड और जिंक कंटेनर, जिसमें कि हमने NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट किया था, उसमें हम कार्बन और MnO2 का पेस्ट भर देते हैं। पूरा जब भर जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको सील कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पिच सील, है ना, इसे क्या कर देते हैं, हम सील कर देते हैं ताकि ग्रेफाइट की रॉड मूव ना कर पाए। जब जितना आपने अभी देखा, ठीक है, ये है, ये देख सकते हो, ये है वो, यानी आप देख सकते हो यहाँ पर कि जिंक का ये एक होलो सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर की तरफ हमने NH4Cl ZnCl2 का पेस्ट लगाया। फिर क्या था कि जो ग्रेफाइट की रॉड दिख रही है आपको, यहाँ से लगाकर इस जिंक के बॉटम तक, ठीक है, तो बीच में लेकिन अंदर से हमने इंसुलेशन लगाया, क्यों, क्योंकि ये जो ग्रेफाइट रॉड और जिंक कंटेनर दोनों का कॉन्टेक्ट आपस में ना हो पाए। फिर हमने क्या किया, जो स्पेस बचता है उसमें ये देखिए, कार्बन और MnO2 का जो ब्लैक मिक्सचर होता है उसको हमने क्या कर दिया, इसमें भर दिया, ठीक है, और भरने के जस्ट बाद हमने क्या किया, उसको ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, एक मिनट, आपको अच्छे से दिखाई देगा, जस्ट मोमेंट, ये देखिए,
थोड़ा सा इसको भी क्लियर करो, ये देखिए अब क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, ये देख रहे हैं आप अंदर की तरफ, ये देखिए एक ग्रेफाइट की रॉड है ठीक है, और इसमें अंदर की तरफ ये जो देख रहे हैं आप कार्बन और Mn2 का ये पाउडर इसके अंदर भरा हुआ है ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेकेड सेल ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो देगा ये, मगर ये क्या, इसको हम लोग नेकेड सेल बोलते हैं, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से और रॉड से क्या यहाँ से और रॉड से कनेक्ट करेंगे तो भी बल्ब जलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि ये जो ग्रेफाइट की रॉड होती है इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पर एक जिसको मैंने बोला था पिच सील, ये देखिए पिच सील मैंने लगा दी इस तरह से, ये पिच सील लगती है जस्ट मोमेंट, ये लग गई पिच सील, ये पिच सील लग गई, इसको पिच सील बोलते हैं ठीक है। और फिर इसके ऊपर हम यहाँ पर ब्रास की केप लगा देते हैं, ये देखिए लग गई, ये ब्रास की केप लग गई ठीक, ये आपको नज़र आ रहा है। अब क्या होता है, अब यहाँ पर एक बात है कि इसमें आगे से कांटेक्ट रहे और पीछे से कांटेक्ट रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इंसुलेट कर देते हैं। इंसुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इंसुलेट करने के लिए आप कुछ भी हार्डबोर्ड कार्डबोर्ड या जो पेपर होता है उससे भी आप इसे क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। जैसे मैं इसको करता हूँ कवर, ये देखिए ये इससे मैं कवर कर रहा हूँ इसको, ये देखिए कवर किया मैंने इसको, इस पेपर से कवर कर रहा हूँ मैं, ये देखिए पेपर से कवर कर दिया इस तरह से ठीक। तो इसको क्या कर दिया मैंने, इंसुलेट कर दिया। अब क्या होगा, ये आगे से कनेक्ट होगा और पीछे से कनेक्ट होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी जलेगी ठीक है। और यही वजह रहती है क्या कि हम टॉयज़ में ट्रांजिस्टर रेडियो कैमरा कैलकुलेटर टॉर्च हर जगह पर हम ऐसे ही सेल का यूज़ करते हैं ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल ड्राई सेल, ये सिंपल ड्राई सेल होता है ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, सिंपल ड्राई सेल होता है ये ठीक। अब ये जो सिंपल ड्राई सेल है, इस सिंपल ड्राई सेल में लॉसेस हैं, क्यों लॉसेस हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पर ये जो NH4Cl है ये एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होने की वजह से क्या होता है कि ये जो जिंक कंटेनर है, ये देखिए वंस अगेन ये जो जिंक कंटेनर आपको नज़र आ रहा है इसमें ये छोटे छोटे से होल कर देता है, होल करने की वजह से ये जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है वो बाहर निकल कर आ जाता है। जब बाहर निकल कर आ जाएगा तो क्या होगा कि जो टॉयस कैलकुलेटर टॉर्च कैमरा रिमोट कंट्रोल जो भी है उसको ख़राब कर देगा ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम लीक प्रूफ सेल बनाते हैं। अब लीक प्रूफ सेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखना, ये देखिए यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये लीक प्रूफ सेल है, ये देखिए ये आपको जो नज़र आ रहा है ये क्या है, एक लीक प्रूफ सेल ही है ठीक है। तो ये लीक प्रूफ सेल कैसे बनाया है, तो मैं बताता हूँ कैसे बनाया है, ये अंदर से ऐसा ही होता है, ये देखिए इस तरह से ही होता है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल ऐसे ही होता है ठीक। फिर हम क्या करते हैं, इसको लीक प्रूफ बनाने के लिए इसके ऊपर हम ये देख रहे हैं प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का जो कवर है वो लगा देते हैं, जैसे मैं आपको लगा के बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर प्लास्टिक कवर है, इसको मैं लगा के बता रहा हूँ आपको, ये देखिए ये लगा दिया, जस्ट मोमेंट, ये देखो ये प्लास्टिक का कवर मैंने लगा दिया, ये देखिए ये प्लास्टिक कवर लग गया ठीक है, ये केप तो लगाई दी थी इसकी, ये देखिए ठीक ये प्लास्टिक की कवरिंग कर दी मैंने। अब इसके जस्ट बाद क्या होता है कि इस पर हम क्या करते हैं, एक आयरन की कवरिंग कर देते हैं, आयरन की कवरिंग ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये आयरन की कवरिंग क्या करते हैं इसके ऊपर हम कर देते हैं, ये देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको कि आयरन की कवरिंग कैसे होती है, ये देखिए ये आयरन की कवरिंग कर रहा हूँ मैं, ये देखिए यहाँ से मैं कवरिंग कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप ये कवरिंग अभी हो जाएगी, ये देखिए कवरिंग हो गई, देख रहे हैं आप ये कवरिंग हो गई ठीक, ये इस तरह से क्या हो गई, ये कवरिंग हो गई ठीक। तो ये जो सेल आपको अभी नज़र आया ये क्या था, लीक प्रूफ सेल है ठीक। याद रखा होगा आपने कि लीक प्रूफ सेल और इससे पहले आपने सिंपल ड्राई सेल देखा होगा,
तो लीक प्रूफ सेल में क्या होता है कि ऊपर की तरफ एक आयरन की कवरिंग होती है, फिर जो जिंक कंटेनर होता है उस पर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। जस्ट मोमेंट, एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं प्लास्टिक कवरिंग कैसे। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये प्लास्टिक की कवरिंग होती है, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि जो सब्सटेंस है वो लीक होकर के बाहर नहीं आएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीक प्रूफ सेल, ठीक है। और जो ड्राई सेल था उसको तो आपने देखा ही था कि उसके अंदर जो सिंपल ड्राई सेल था उसको तो आपने देखा ही था कि उसमें ये आयरन की कवरिंग नहीं थी। ये देखिए, ये वाली नहीं थी, ये वाली नहीं थी, फिर ये प्लास्टिक की कवरिंग भी उसमें नहीं थी, ये वाली भी नहीं थी, सिर्फ इस तरह था। और उस पर जो हार्डबोर्ड कार्डबोर्ड रहता है उसकी कवरिंग थी, यानी कि इस तरह से कवरिंग थी। ये देखिए बस, सिंपल इस तरह से कवरिंग थी वो, ठीक। तो ये सेल है ना, ये लेस ड्यूरेबल रहते हैं और कॉस्टली नहीं होते हैं। और लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया, ये लीक प्रूफ सेल, ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और ये कॉस्टली भी होते हैं और ज़्यादा यूज़ में यही आते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये जो सेल आपने देखा इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल ड्राई सेल, और ये जो था ये भी ड्राई सेल है, मगर ये कौन सा है, लीक प्रूफ ड्राई सेल है, ठीक। अब इतना ज़रूर याद रखना कि जो ये लीक प्रूफ ड्राई सेल है इसमें हम NH4Cl की जगह हम KOH का यूज़ करते हैं, ठीक है बस। और इसमें तो आपने देखा ही होगा कि जो ड्राई सेल है इसमें हम NH4Cl का यूज़ करते हैं जो कि एसिडिक नेचर का होता है, ठीक। और उसी की वजह से क्या होता है कि ये जो कंटेनर है उसमें छोटे से पोर्स यानी कि होल हो जाते हैं जिसमें वो सब्सटेंस जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक वो बाहर की तरफ आ जाता है और एपरेटस को ख़राब कर देता है, ठीक है। क्योंकि उसमें कोई देखा होगा कोई प्रूफिंग नहीं होती ना उसके अंदर। देखो बिल्कुल ये तो होता है सिंपल, ये ड्राई, ये हार्डबोर्ड होता है, ये देखिए हार्डबोर्ड हटा दीजिए और डायरेक्ट ये कंटेनर आपको नजर आ रहा है बस। तो अगर लीक अगर होगा तो ये छोटे छोटे छेद यहाँ हो जाएंगे और लीक हो जाएगा जल्दी से, है ना, और एपरेटस खराब कर देगा। लेकिन जो लीक प्रूफ सेल होता है उसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो जिंक कंटेनर है ना, ये जो जिंक कंटेनर आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर पहले प्लास्टिक की कवरिंग होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इस तरह से प्लास्टिक की कवरिंग होती है, ये देखिए। फिर उसके जस्ट बाद ये आयरन की भी एक कवरिंग होती है इस तरह से, ठीक है। और ये सेल कुछ इस तरह से बनकर आ जाता है, देख रहे हैं आप ये। तो इसलिए क्या है, ये लीक प्रूफ सेल है, यानी कि इसमें लीक होकर के इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर की तरफ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आपको सीधे तो समझ में आ ही गया होगा कि सिंपल ड्राई सेल और लीक प्रूफ ड्राई सेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सिंपल ड्राई सेल में ये NH4Cl होता है और जो लीक प्रूफ सेल होता है उसमें NH4Cl की जगह अब हम KOH का यूज़ करते हैं, ठीक। चलिए अब देखो इसकी रिएक्शन को समझने के लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं। देखिए यहाँ ये तो आपको समझ में आ ही गया था, मैंने इसका कंस्ट्रक्शन समझाया था, आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जिंक का एक हॉलो सिलेंडर होता है जिसमें हम अंदर की तरफ है ना NH4Cl और ZnCl2 का वाइट स्टिकी सब्सटेंस हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। फिर ये ग्रेफाइट रॉड को लगाने से पहले नीचे यहाँ पर इंसुलेटेड सब्सटेंस बिछा देते हैं या लगा देते हैं, फिर ग्रेफाइट रॉड को लगाते हैं, फिर बाकी जो स्पेस बचता है उसमें कार्बन और MnO2 का मिक्सचर भर देते हैं। अब इतना याद रखना कि इसके अंदर ये जो जिंक कंटेनर है ये एनोड का काम करता है, एनोड मतलब माइनस, और जो ग्रेफाइट की रॉड है वो कैथोड का काम करती है, मीन्स प्लस का काम करती है, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर देख रहे हैं आप इंसुलेटेड कर देते हैं, यहाँ से ऊपर से ऊपर से, नीचे से नहीं करते, नीचे से छोड़ देते हैं, है ना। तो ये हो गया क्या, ड्राई सेल। अब इसकी रिएक्शन समझते हैं, आपने देखा होगा इसमें क्या एनोड कौन है, जिंक कंटेनर है, तो एनोड पर क्या होता है आपको पता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूज होते हैं। तो यहाँ ZN मालूम क्या करता है, इधर देखिए ये जो ZN है सॉलिड ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब देखिए जब दो इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करेगा इस तरह से तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ZN2 पॉजिटिव एक्वस, यानी इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो टू इलेक्ट्रॉन हैं और ZN2 पॉजिटिव है इन दोनों का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। अब इसके जस्ट बाद ये देखिए आप कि जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में लूज होते हैं
वो रिडक्शन में क्या होंगे, गेन होंगे। अब यहां पर कैथोड कौन है, कैथोड आपको पता है ग्रेफाइट रॉड है ना, वहां क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वहां क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक, अब ये देखिए जो एन एच फोर सी एल है, इस एन एच फोर सी एल को अगर आप देखें तो ये इस तरह से आयोनाइज रहता है, एन एच फोर पॉजिटिव एक्वस की फॉर्म में क्या रहता है, ये आयोनाइज रहता है। ठीक, और अब आप ये भी देखिए कि कार्बन के साथ हमने क्या मिलाया था, एम एन ओ टू मिलाया था है ना, तो वो भी है ना कैथोड पर रहता है, तो उसको भी मैंने लिख दिया यहां पर क्या, ये देखिए टू एम एन ओ टू ये लिख दिया, ये सॉलिड होता है। और अब ये इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे यहां पर, एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्या होगा, ये जो ट्वाइस एन एच फोर पॉजिटिव है, तो आप ये देखिए टू पॉजिटिव से टू नेगेटिव क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी आप चार्ज इस पर एन एच फोर पर कुछ भी नहीं बचेगा। अब इस एन एच फोर को आप कैसे लिख सकते हो, देखिए एन एच थ्री एन एच थ्री, एक एक एच और लिख लो, तो ये एन एच फोर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो एम एन ओ टू है ये टू टाइम्स है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, ये देखिए एम एन टू ये लिख लिया आपने। अब ऑक्सीजन यहाँ फोर है, ठीक है, उनमें से एक ऑक्सीजन इसको दे दो, क्यों, क्योंकि ये एच टू ओ बना लेगा, तो फिर क्या बचेगा यहाँ पर, ऑक्सीजन कितने, टू टू जा फोर, फोर में से थ्री यहाँ रहने दो, एक ये है, तो ये देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एच टू ओ का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब बचा यहां क्या क्या, तो वो देख लो, ट्वाइस एन एच थ्री, तो ये देखिए हमें ट्वाइस एन एच थ्री मिला जो कि गैस की फॉर्म में होता है, फिर एम एन टू ओ थ्री मिला जो कि सॉलिड की फॉर्म में होता है, ये सॉलिड की फॉर्म में, और साथ में क्या मिला हमको, एच टू ओ, ये हमको यहां पर एच टू ओ मिल गया। तो इस तरह से इसमें पूरी रिएक्शन होती है। अब आपको पता है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो किस तरह होगी, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, जब दोनों को ऐड करो तो क्या होगा, ये राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन इस लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन से डिस्कार्डेड हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब दोनों को एक साथ लिख दो, कैसे लिखेंगे हम, ये जेड एन सॉलिड, फिर इसको लिख लो प्लस ट्वाइस एन एच फोर पॉजिटिव एक्वस, फिर यहाँ पर आ जाएगा टू एम एन ओ टू सॉलिड। ठीक है, देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इलेक्ट्रॉन तो फिर हट गए थे। अब एरो के इस तरफ आ जाओ, ट्वाइस एन एच थ्री और जेड एन टू पॉजिटिव भी है, तो पहले जेड एन टू पॉजिटिव लिख लेते हैं एक बस, अब ट्वाइस एन एच थ्री लिख लेते हैं ये गैस की फॉर्म में, अब एम एन टू ओ थ्री लिख लेते हैं, एम एन टू ओ थ्री सॉलिड की फॉर्म में, साथ में वाटर भी लिख लेते हैं, ये देखिए लिख लिया, ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं, आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पर। अब यहाँ एक बात को ज़रा गौर करिए, देखिए इस सेल में एन एच थ्री गैस का फॉर्मेशन होता है, एन एच थ्री गैस का फॉर्मेशन होगा तो सेल के अंदर प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो सेल क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही ये देखिए एन एच फोर सी एल के साथ ये जेड एन सी एल टू का यूज़ करते हैं, ये पहले से ही हम मिला के रखते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो जेड एन सी एल टू है ये जेड एन टू पॉजिटिव और टू सी एल नेगेटिव में आयोनाइज रहता है। देखिए कैसे, ये देखिए यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, ये जेड एन, ये टू पॉजिटिव इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आयोनाइज रहता है। तो ये क्या करता है, ये फोर एन एच थ्री, यानी जो एन एच थ्री गैस है ठीक है, उससे रिएक्शन करता है ये, है ना, ठीक है, तो उससे रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, आप जरा ध्यान से देखना कि एक जेड एन टू पॉजिटिव जो है ना फोर एन एच थ्री से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ क्या बनाएगा, यहाँ बनाएगा जेड एन और एन एच थ्री का आप लिख सकते हैं, यहाँ पर फोर है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर फोर लिख दीजिए, और चार्ज जो है इसकी खोपड़ी पर क्या आ जाएगा, टू प्लस आ जाएगा। ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो एन एच थ्री गैस तो रहेगी नहीं, जब एन एच थ्री गैस रहेगी नहीं तो इस सेल के अंदर का प्रेशर जो है इंक्रीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ जो एन एच थ्री गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस एन एच थ्री गैस से ये जो जेड एन सी एल टू में प्रेजेंट जेड एन टू पॉजिटिव है वो से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, और रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है,
इस कॉम्प्लेक्स के बन जाने की वजह से जो NH3 गैस है वो क्या हो जाती है, वहां से हट जाती है, क्योंकि अब बचेगी नहीं, कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक। अच्छा, एक बात और भी है, इस सेल का जो वोल्ट होता है वो होता है 1.25 वोल्ट से 1.50 वोल्ट के बीच में होता है, ये थोड़ा याद रखना है आपको। इस सेल का जो टोटल वोल्ट होता है 1.25 वोल्ट से 1.50 वोल्ट के बीच में होता है। ठीक। कोई टीचर या कोई स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि यहाँ ये बताइए कि MnO2 का यूज़ हम क्यों करते हैं, MnO2 का यूज़ आप क्यों करते हैं, तो मैं बताता हूँ क्यों करते हैं, जरा सुनिए। अगर हम MnO2 का यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पर कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहाँ पर देखो, बताता हूँ कैसे बनती है, जस्ट मोमेंट, उसके बाद बात करते हैं। जैसे यहाँ पर ये ट्वाइस NH4 पॉजिटिव है, ठीक, एक्वस, इसको इलेक्ट्रॉन दे दो जो जिंक ने रिलीज किए थे, ये टू पॉजिटिव टू नेगेटिव है ना, न्यूट्रलाइज हो गया, और ये ट्वाइस NH3 गैस बन गई। साथ में क्या हो गई, ये देखो H2 गैस का भी फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। अब ये जो H2 गैस होती है ये क्या करती है, सेल रिएक्शन में डिस्टर्ब क्रिएट करती है, क्या करती है, डिस्टर्ब, यानी सेल रिएक्शन को कंप्लीट नहीं होने देती है, सेल रिएक्शन को डिस्टर्ब करती है। ठीक है। और सेल रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती रहे इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसमें MnO2 मिला देते हैं। देखो कैसे, ये जो H2 है ये यहाँ पर जो हमने MnO2 लिया था, तो जरा देखिए क्या होगा, Mn2O3 और O, मैंने बताया था ना आपको, 2 Mn और 2 2 जब 4, 4 में से 3, ये ऑक्सीजन जो है इसको लिबरेट करता है, कौन, MnO2, इसको एक ऑक्सीजन देता है, देने की वजह से क्या बनेगा यहाँ पर, ये देखिए H2O बन गया और साथ में क्या बन गया, Mn2O3 बन गया। अब इनको एक साथ लिख लो तो आपको ये रिएक्शन वापस से मिल जाएगी, कौन सी वाली, जो ऊपर लिखी है, तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कौन सी वाली मिल जाएगी, ये वाली। ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि हम MnO2 क्यों मिलाते हैं, अगर आप MnO2 नहीं मिलाओगे तो इस रिएक्शन में H2 गैस का फॉर्मेशन होगा ये, और ये H2 गैस क्या करती है, सेल रिएक्शन में डिस्टर्ब क्रिएट करती है, जिसकी वजह से सेल रिएक्शन नहीं हो पाती है। ठीक है। और फिर जब हम MnO2 मिला देते हैं तो MnO2 क्या करता है, उस H2 से रिएक्शन करके H2O का फॉर्मेशन कर देता है, जिससे अब गैस रहेगी नहीं और डिस्टर्ब होगा नहीं। ठीक है। और सेल रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ठीक। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो ड्राई सेल है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल ड्राई सेल, मैंने आपको बताया था, और दूसरा होता है लीक प्रूफ ड्राई सेल। तो जो सिंपल ड्राई सेल होता है ना, तो सिंपल ड्राई सेल में क्या होता है, मैंने बताया था, ऊपर यहाँ पर जिंक कंटेनर के जस्ट बाद हार्डबोर्ड या कार्डबोर्ड होता है बस। ठीक है। वो सिंपल ड्राई सेल होता है। ठीक। लेकिन अगर लीक प्रूफ सेल होगा तो क्या होगा, जिंक कंटेनर के बाद उसमें मैंने बताया था वो प्लास्टिक की एक पन्नी होती है, फिर आयरन का बाहर से कोटिंग होती है, तो वो लीक प्रूफ सेल होता है। ठीक है। अब जो सिंपल ड्राई सेल होता है उसमें NH4Cl में प्रेजेंट जो NH4 पॉजिटिव होता है, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर की होने की वजह से ये जिंक कंटेनर से रिएक्ट कर लेता है, रिएक्ट करके मतलब कोरोजन कर लेता है, कोरोजन करने की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है वो रिलीज होकर बाहर आ जाते हैं, जब वो रिलीज होकर बाहर आ जाते हैं तो जो एपरेटस है, टॉयज है ना, कैलकुलेटर है ना, कैमरा है ना, रिमोट कंट्रोल टॉयज, इन सबको खराब कर देता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, NH4 पॉजिटिव यानी NH4Cl की जगह पर अब हम KOH का यूज़ करने लगे हैं, किसमें, लीक प्रूफ सेल में, एज वेल एज मैंने बताया था आपको कि जिंक कंटेनर के जस्ट बाद प्लास्टिक का कवरिंग और साथ में एक आयरन की कोटिंग भी कर देते हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है, अब लीक वो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस नहीं हो पाता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं लीक प्रूफ सेल। ठीक है। तो ये जो अभी आपने पढ़ा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। थैंक यू।